बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद को लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं हुई, उनके बारे में खूब बातें की गई। बीएसपी प्रमुख मायावती के इस फैसले पर लोगों ने अलग अलग रिएक्शन दिए। कुछ ने कहा मायावती ने चुनावी माहौल में बड़ा रिस्क लिया है, तो कुछ ने कहा मायावती बीजेपी के दबाव में आ गई हैं। आकाश आनंद पर जो कार्रवाई उनकी पार्टी की ओर से की गई, उसका मुख्य कारण एक ये भी है कि जब चुनावी जनसभाओं में उनके जो भाषण थे वो वायरल तो जरूर हुए, पर उन्होंने विवाद भी खूब पैदा किया। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता आकाश आनंद ने गाज गिरने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल आकाश आनंद ने मायावती के आदेश को सबसे ऊपर बताते हुए पोस्ट में आकाश आनंद ने कहा कि मायावती जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं, करोड़ों देशवासी आपको पूजते हैं। आपके संघर्षों से समाज को राजनीतिक ताकत मिली है, जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं, आपके आदेश सिर माथे थे। भीम मिशन अपने समाज के लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा, ये आकाश आनंद ने अपने पोस्ट में कहा। चलिए अब आकाश आनंद का वो पुराना बयान भी सुना देते हैं जिसमें वो बीजेपी पार्टी पर जमकर बरसे हैं। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ। भाई पकौड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई करा कर अपने बच्चे को आप पकौड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकौड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को बड़ा आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला समय लटकाए, इतनी तेज तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहने जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद।